आज 30/11/99 का मुरली जो काल आधा पड़ा हुआ था, पास भी तोनर बनने के लिए सर्वो खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बन। इसका लास्ट दूसरे है इंजीनियर का माइक थोड़ा सा पीछे लेके। अभी ठीक है दीदी? हाँ अभी ठीक है। दूसरे है इंजीनियर और वैज्ञानिक, वो हाथ उठाओ। वैज्ञानिकों को बहुत अच्छा अनुभव है, जैसे साइंस दिन प्रतिदिन अति सूक्ष्म महीन होती जाती है, ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो, तो अपने हमजिन्स को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना आता है ना, साइलेंस भी एक विज्ञान है। साइलेंस का विज्ञान क्या है, उनकी इन्हों को पहचान दो। साइलेंस के विज्ञान से क्या क्या होता है, यह जानने से साइंस भी ज्यादा रिफाइन कर सकेंगे, क्योंकि हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम में आएगा ना, लेकिन रिफाइन रूप में होगा। अभी के विज्ञान की इन्वेंशन में फायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान होने के कारण नुकसान का नाम निशान नहीं। बड़े बड़े वैज्ञानिक है, उन्हों को साइलेंस का ज्ञान दो, तो फिर अपनी नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान का कार्य करने में मददगार बनेंगे। कितनी संख्या है विज्ञानियों का जो अभी आए हैं, वो कितने हैं? 350। तो फिर जब आओ तो कितने आएंगे? 350 ही आएंगे। क्या करेंगे, एक 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 को लाएंगे? लाना है तो हाथ उठाओ। अपना नाम तो नोट है, आपका नाम तो नोट है, बाप दादा देखेंगे। एक एक को तो आप समान बना कर लाओ, जो लाएंगे वो हाथ उठाओ। इन्हों का टीवी निकालो, ये भी एक मौज मनाना है, और क्या है। अच्छा बिजनेसमैन हाथ उठाओ, इनका भी टीवी निकालो। वैज्ञानिकों के साथ इंजीनियर भी है, इंजीनियर क्या करेंगे, इंजीनियर कुछ ना कुछ नया बनाते हैं, तो शतयुग में नई दुनिया बनाने के लिए औरों को तैयार करो। आप तो राजा बनेंगे, तो ऐसी आत्माएं तैयार को रचना बहुत अच्छे से अच्छी कर बनाते हैं, लेकिन नई दुनिया में ऐसी आश्चर्यजनक चीजें हो जो आजकल की श्रेष्ठ चीजों से सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसे इंजीनियर्स को तैयार करो। चलो पूरा ज्ञान नहीं लेवे, रेगुलर नहीं बने, लेकिन बाप को तो पहचाने। कोई ऐसी आत्माएं हैं जो रेगुलर नहीं बनती है, लेकिन निश्चय और खुशी में रहती है, संबंध में सहयोगी रहती है, ऐसी आत्माएं भी तैयार करो। समझा? बहुत अच्छा। देखो आपका खास पार्ट इस टर्न में रखा है, तो कोई खास कमाल करेंगे ना, अभी रिजल्ट देखेंगे। बिजनेसमैन कितने लाते हैं, इंजीनियर्स और वैज्ञानिक कितने लाते हैं, संख्या तो पता चलेगा ना, रिपोर्ट निकालती है ना कि इतनी संख्या बढ़ गई। तो जो विंग के ऊपर है उन्हों को एक वर्ष की रिजल्ट लिखनी है, ये सब एक वर्ष के बाद तो आएंगे ना, संख्या देखेंगे कितनी बढ़ी। हॉस्पिटल के ट्रस्टी आप सभी क्या कमाल करेंगे, जो पेशेंट आवे
उसको पेशेंस देकर दूसरों को लेकर आओ, विदेश से भी लाओ। अच्छा, तीसरा ग्रुप रूरल, हाथ उठाओ। इसमें माताएं भी है, टीचर्स भी है। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे? गांव गांव को महल बनाना, गांव की ऐसी सेवा करो जो शतयुगी दुनिया में वो गांव महल बन जाए। सभी को नई दुनिया का परिचय दो। गांव वाले बहुत प्यार से सुनते हैं, बड़े बड़े लोग तो कम सुनते हैं, लेकिन गांव वाले लोग बहुत प्यार से सुनते हैं। और गांव को बदल कर दिखाओ, जो गवर्नमेंट को मालूम पड़े कि यह गांव कितना बदल गया है। बदल सकते हो, कोई ऐसा गांव हो जिसमें प्रैक्टिकल गवर्नमेंट के आगे एक प्रूफ दिखाओ। गांव गांव में सेवा तो की है, लेकिन इनमें से कोई एक गांव गवर्नमेंट को दिखाओ कि देखो इस गांव में कितना परिवर्तन आया है। ऐसा हो सकता है, ऐसी सेवा की है किसी ने बताया, तो वो गवर्नमेंट तक पहुंचाओ। गवर्नमेंट के आगे रिकॉर्ड रखो। देखो एक बात है, गवर्नमेंट कहती है कि आप सोशल सेवा नहीं करते, लेकिन आजकल बॉम्बे में जो बगीचे बदल कर अच्छे सुंदर बनाए हैं और बढ़ते जाते हैं, तो कीचड़े के स्थान को पार्क बनाना, अनेक आत्माओं के निमित्त बनाना, क्या ये देश का सोशल वर्क नहीं है? कितने घरों को मच्छर और जो भी जर्म्स है उनसे बचाया। सोशल वर्क क्या है? ये सोशल वर्क तो है। तो ऐसे एग्जाम्पल आसपास वालों का शाइन लेकर गवर्नमेंट को दो। वो लिख कर दे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बच्चों के लिए खेलने कूदने का स्थान बनाना, उनको तंदुरुस्ती बढ़ाना, ये सोशल वर्क नहीं है तो क्या है? तो ऐसे फोटो निकालो, बच्चों के भी फोटो निकालो, बड़ों के भी निकालो फोटो निकालो, और जितनों का परिवर्तन हुआ है उनके भी साइन कराओ। फिर गवर्नमेंट को दिखाओ कि हम सोशल वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। समझा? ऐसा रिकॉर्ड तैयार करो, जितने बगीचे मिले हैं उन सब का रिकॉर्ड तैयार करो। क्या है, गवर्नमेंट को पता तो पड़ता ही नहीं है और उल्टी बातें बहुत जल्दी फैलती है, अच्छी सेवा कम फैलती है। इसलिए ये सोशल वर्क का एग्जाम्पल दिखाओ। जो कहते हैं ना सोशल वर्क नहीं करते, उनको ये दिखाओ कितनी खुशी प्राप्त होती है। सोशल वर्कर क्या करते हैं? किसी का दुख दूर करके खुशी देते हैं, उसको सेट करते हैं। आप तो दिमाग को सेट कर देते हो, ये सोशल वर्क नहीं तो क्या है? तो सेवा बहुत करते हो लेकिन रिकॉर्ड कम तैयार करते हो। जैसे बॉम्बे कोई अखबारें हैं उसमें डाल सकते हो कि इतने आत्माएं आती हैं, इतने बच्चे आते हैं, उन्हों की खुशी का साधन है, उन्हों की तंदुरुस्ती बनती है। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तैयार करो। अच्छा, बॉम्बे का कमला नेहरू पार्क भी मिल रहा है किसी ने बताया, वो भी मिल जाएगा, बाबा बता रहे हैं। और आप लोगों को जो ऐसे लेटर मिलते हैं वो और शहरों में दिखाकर वहां भी कर सकते हो। अच्छा, नए नए जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। ड्रामा अनुसार आए तो अभी है, लेकिन बाप दादा का स्लोगन याद है, लास्ट सो फर्स्ट, और फर्स्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हैं। मार्जिन है, फर्स्ट जा सकते हो, लेकिन जमा का खाता ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो। अपना भाग्य याद रहता है ना, विशेष नयों को कह रहे हैं, जिसका भाग्य याद रहता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो एक सेकेंड में अपने संकल्प को चाहे जहां चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वो हाथ उठाओ। एक सेकेंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकेंड में हो सकता है? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ।
ऐसे कहने से नहीं, अगर कंट्रोल होता है तो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन्हों को क्या 1 मिनट लगता है या उससे भी ज्यादा लगता है? अभी ये अभ्यास बहुत जरूरी है क्योंकि अंत के समय ये अभ्यास बहुत काम में आएगा। जैसे इस शरीर के ऑर्गेन्स को, बाहें हैं, पांव हैं, इनको सेकेंड में जहां लेकर जाने चाहो वहां ले जा सकते हो ना, ऐसे मन और बुद्धि को भी मेरी कहते हो ना। जब मन के मालिक हो ये सूक्ष्म ऑर्गेन्स है तो इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं? संस्कार के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। जब चाहो, जैसे चाहो, जब ये अभ्यास पक्का होगा तब समझो पास विथ अनर होंगे। तो बनना लक्ष्मी नारायण है तो राज्य को कंट्रोल करने के पहले स्वराज्य अधिकारी तो बने, तब राज्य अधिकारी बनेंगे। इसका भी साधन यही है कि खजाने जमा करो, समझा? अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो, मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन के कंट्रोल कर सकते हो, चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाओ। बाबा ड्रिल करा रहे हैं कि आत्मा परमधाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है, ड्रिल। अच्छा, चारों ओर के सर्वो खजानों के मालिक बच्चों को सदा मुश्किल को सेकेंड में परिवर्तन करने वाले सदा सहज योगी, सदा संकल्प, समय, बोल, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को चाहे देश में है चाहे विदेश में है, लेकिन दिल से दूर नहीं है। ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले हम बच्चों का, बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। बाबा नमस्ते। सेवाधारी जो भी सेवा के प्रति आए हैं, विशेष यूपी का टर्न है, यूपी के जो सेवाधारी आए हैं वो हाथ उठाओ। देखो सेवाधारियों को कितने फायदे हैं। सदा गाया हुआ है ब्राह्मणों की सेवा महान पुण्य है। भक्ति मार्ग में 100 या 200 ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और मधुबन में कितने ब्राह्मणों की सेवा करते हो, और एक एक ब्राह्मण की दुआ सेवाधारियों को सतु ही मिलती है। कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जमा हो ही जाती है। एक तो दुआओं की खाता जमा होता, दूसरा सेवा के पुण्य का खाता जमा होता, तीसरा ब्राह्मणों के समीप संबंध में आते हैं और बाप दादा से मिलने का एक्स्ट्रा टर्न मिल जाता है, तो सेवा का फल मिलता कितना है, सेवाधारी अर्थात जमा करने वाले। तो बहुत अच्छी सेवा की, दिल से सेवा की और दिलाराम के पास पहुंच गए, यूपी वाले ठीक है ना। तो जो भी सेवाधारी बनकर आता है उसको प्रत्यक्ष फल मिलता है। भविष्य तो मिलेगा लेकिन वर्तमान समय में भी जमा होता है। डबल विदेशी भी बहुत बैठे हैं, डबल विदेशी हाथ उठाओ। देखो डबल विदेशियों को चांस भी बहुत मिलता है। हर ग्रुप में डबल विदेशी है, डबल विदेशियों को कोई भी टर्न में मना नहीं है, तो ये कम भाग्य है क्या? आप सभी जानते हो कि इन्हों का त्याग, इन्हों की हिम्मत और दिल की सफाई पर बाप दादा सदा खुश होता है। आप लोग क्या कहते हो, सच्चे दिल तो मुराद हासिल। तो ये साफ और सच्ची दिल वाले हैं। अगर गिरेंगे तो भी सच बताएंगे, छिपाएंगे नहीं, और सच सुनाने से आधा माफ हो जाता है। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को सदा याद करते हैं और सदा याद प्यार देते हैं।
कमाल तो है, और कमाल करते करते बाप दादा के साथ अपने घर में पहुंच जाएंगे। तो विशेष डबल विदेशियों को पद्म गुना याद प्यार, ऐसे नहीं भारतवासियों को नहीं है, भारतवासियों को फिर पद्म पद्म गुना याद प्यार। इंदौर हॉस्टल की कन्याएं, कन्याएं के लिए गाया हुआ है कि हर एक कन्या सौ ब्राह्मणों से उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि सेवा कर इतने ब्राह्मणों की दुआ लेनी है। तो कुमारियां बोर्डिंग से निकल क्या करेंगी? क्या लक्ष्य रखा है? सेवा करेंगी, सिर पर ताज रखेंगी या टोकरी रखेंगी? क्या करेंगी? ताज, सब ने बोला होगा ताज। नौकरी को टोकरी तो, नौकरी की टोकरी तो नहीं उठाएंगी। सौ ब्राह्मणों से उत्तम का अर्थ ही है सौ ब्राह्मण की दुआएं लेंगी, तो इतनी सेवा करेंगी। अच्छा, एडवांस में मुबारक हो, सभी को दुआएं लेना। अच्छा, बाप दादा पूरे हॉल को चक्कर लगाकर सभी बच्चों को दृष्टि देकर वापस स्टेज पर पहुंचे हैं। मोहिनी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, अहमदाबाद से चेकिंग कराकर बाप दादा के सामने आई है। है ही ठीक, ठीक थी, ठीक है और ठीक रहेगी। डॉक्टर ने 6-7 दिन की रेस्ट बोली है, बताया बहुत जल्दी ठीक हो गई। हिम्मत रखी तो हिम्मत और मदद से पहुंच गई, ये बीच का चक्र लगा कर आई। दादियां अच्छी सेवा की, बहुत अच्छा है। जो निमित्त है उन्हों को समय पर एक्स्ट्रा शक्ति मिल जाती है। देखो, आप सब आदि रत्नों के आधार से स्थापना का कार्य चल रहा है, ऐसे है ना? बाप दादा तो सदा सर्विसेबल रत्नों को देखते रहते हैं, ठीक है ना? शरीर का हिसाब है लेकिन छुली से कांटा हो जाता है, परेशान नहीं होते। हिसाब किताब चुक्त होता है लेकिन परेशान नहीं होते, शान में रहते हैं, औरों को भी शान याद दिलाते हैं। मालिक है ना, शरीर को चलाने की रमज जुक्ति सीख गए हैं। शरीर का भी आपसे प्यार है ना, महारथियों से सबका प्यार है, प्यार है ना? दादी जी को देखो कितना काम करती हैं, लेकिन सदा हर्षित। सीखते हो ना, कभी थकावट के चिन्ह नहीं होते, ये है बाप समान की निशानी। ब्रह्मा बाबा महारथियों को, विशेष बच्ची को सब वरदान शक्तियां और जिम्मेवारी सब देकर गए। आप लोगों के लिए बाप दादा ने विशेष इन्हों को अथक बनने का वरदान दिया है। आप सब भी अथक बन विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, पांडव भी महान है। ओम शांति। ओम शांति। एक मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति।
अभी आप मुरली के पॉइंट शेयर कर सकते हैं। चलिए, कल भी हमने यही मुरली पढ़ी है और उसका आधा भाग आज पढ़ा है, तो कल और आज ये दोनों भी मुरली से आप पॉइंट शेयर कर सकते हैं, दोनों भी भाग से, कि आपने क्या क्या समझा है मुरली। बाबा ने आज विशेष ड्रिल कौन सी कराई, कौन सी ड्रिल करने के लिए कहा है, आप में से किनको शेयर करना है तो वो कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने मन को ऑर्डर से चलाने की ड्रिल कराई, तो बाबा हम सबको सिखा रहे हैं कि हमें मन को ऑर्डर करना है और ऑर्डर से मन को चलाना है। जैसे हम शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हैं ना, हाथ पांव को, ऐसे ही हमें सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, तो ये मन को ऑर्डर से चलाना है। ऑर्डर किया कि जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो आप मन को लगाना चाहो, वहां एक सेकंड में मन लग जाए और फिर टिक जाए वहां पे। तो लग जाए तो ठीक है, फिर वहां टिकना भी जरूरी है, तो हम जितनी देर चाहे वहां उतनी देर रुक जाना चाहिए, रुक सकते हैं। तो ऐसे बाबा ने हमें कंट्रोलिंग पावर भी सिखाई है ड्रिल करा के। तो बाबा आज हमें ऑर्डर पर मन को चलाने की और परम धाम निवासी बनने की ड्रिल कराते हैं। ओम शांति। जब बाबा ने जो याद प्यार दिया है, तो कोई अब ग्रुप में से कोई रिवाइज कराएंगे कि बाबा ने आज कौन से बच्चों को याद प्यार दिया है। अच्छा, हम एक बार पढ़ते हैं, हम आप सभी याद रखें और फिर उसमें से आपको सोमान बताना है। आपको हम याद प्यार फिर से एक बार सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, फिर बाद में आप सोमान सुनाना उसका। देखो आज अगर भगवान हमें प्यार करता है, अगर भगवान हमें नमस्ते करता है, तो हमें कितना ना उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर भगवान हमें ऐसे बड़े बड़े मेडल्स दे रहा है, बड़े बड़े नामों से वो हमें नवाजता है, तो क्यों ना हमें वो अंदर तक जाना चाहिए। देखो, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को अंडरलाइन करें इस बात को, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक, पहला टाइटल याद रखे, सर्व खजानों के मालिक मैं बच्चा हूँ बाबा का। ठीक है, आप याद करते रहे, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा याद रखने की। पहला था सर्व खजानों के मालिक, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले। आगे का क्या है, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी। दूसरा टाइटल है आपका सदा सहज योगी, पहला टाइटल था सर्व खजानों के मालिक, दूसरा टाइटल है सदा सहज योगी। आगे, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले। तीसरा टाइटल याद रखे, मैं आत्मा सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा हूं। कितनी बातें हैं, चार, संकल्प समय बोल और कर्म, इन सबको श्रेष्ठ बनाने वाली मैं आत्मा हूं। आगे, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाली,
मैं आत्मा कैसी हूँ? बचत का खाता बढ़ाने वाली। आगे है सदा मन के मालिक, विशेष विशेष अंडरलाइन करें, मैं आत्मा मन की मालिक हो। कोशिश करें याद रखने की, मैं आत्मा सदा मन की मालिक हूँ। आगे मन बुद्धि संस्कारों को ऑर्डर में चलाने वाली। हम आत्मा मन की मालिक, मन बुद्धि संस्कारों को ऑर्डर से चलाने वाली। फिर आगे ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, जो मन बुद्धि संस्कारों को ऑर्डर में चलाता है, ऐसा बच्चा कौन होता है? स्वराज्य अधिकारी, चाहे देश में है चाहे विदेश में है, लेकिन दूर दिल से दूर नहीं है। तो आज भाई पंकज भाई जी को भी बाबा ने याद किया है, चाहे देश में है चाहे विदेश में है, लेकिन दूर दिल से दूर नहीं है। ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो हम समझते हैं कि भले इस मुरली का आप इतना ही पैराग्राफ अच्छे से कीजिए, अच्छे से उसको बाय हार्ट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और उसको आप योग में अनुभव कर लीजिए। चले अभी आप सभी रिवाइज करेंगे, बाबा ने कौन से बच्चे को याद प्यार दिया है अनुभव के साथ बताया, आप बाबा के किस प्रकार के बच्चे हैं। जी पुष्पा जी। बाबा ने सबसे पहले कहा कि सर्व खजानों के मालिक, हर मुश्किल को सहज करने वाले सहज योगी, और हर संकल्प बोल समय को श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ योगी। जी अभी बाकी भी करेंगे। जी जी पुष्पा बहन, थैंक यू, बहुत अच्छा। तीन बातें आपने सुनाई, पुष्पा बहन ने तीन बातें सुनाई, सर्व खजानों के मालिक, दूसरी बात समझाई सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, और तीसरी बात सिखाई सदा सहज योगी, और आगे की बात और उन्होंने बताई है। फिर भी और कोई भी शेयर करे करे। ओम शांति जी। सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को बाबा ने याद कर दिया है। ओम शांति। बहुत अच्छा अच्छा, और इसी को रिपीट कीजिए, एक एक सोमान सुना दीजिए। जैसे अभी पुष्पा दीदी जी ने तीन सोमान सुनाए और एक बहन ने और तीन सुनाए, आप सुनाइए, एक एक सुनाइए, नशे से सुनाइए। जी शेरी बहन। मैं मन बुद्धि की, आज बाबा ने हमें जो बच्चों को याद किया है कि बाबा ने बोला कि चारों ओर सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले और सदा सहज योगी बच्चों को याद प्यार दिया, और बाकी की ओर दूसरे भाई बहन शेयर करते हैं। हाँ जी जी, बहुत अच्छा। अभी आप सभी शेयर करते समय ऐसे बोलेंगे कि मैं सर्व खजानों की मालिक हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा सर्व खजानों की मालिक हूँ। ठीक है, तो वो अपना पर्सनल लेंगे, हम सभी इसको पर्सनल करके लेते हैं और सुनाएंगे। जी और कोई सुनाएंगे? जी शैली बहन, थैंक यू। लक्ष्मी बहन सुनाएं। मैं परमात्मा की सदा दिल के करीब रहने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, दिल से करीब हो, बहुत अच्छा। और मैं आत्मा की स्वराज्य अधिकारी हूँ। यस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और सुनाएं इंदु बहन। मैं बिंदी को बिंदी लगा समय और संकल्प को सफल करने वाली आत्मा। अच्छा, और जी मधु बहन। मैं आत्मा सदा संकल्प बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा हूँ। जी बहुत अच्छा। मैं सफलता मूर्त और विजयी रतन आत्मा हूँ। अच्छा अच्छा। मैं बुद्धि और संस्कार को
अपने ऑर्डर पर मन चलाने वाली आत्मा हूँ। जी बहुत अच्छा, जो आप सुना रहे हैं इसकी मुख्य धारणा आपको करनी है। इसी के लिए मैं आजकल प्रैक्टिस कर रही हूँ, अपने मन से बात कर रही हूँ, अपनी कर्म इंद्रियों से बात कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ ये जाती है, आंखों से बात करती हूँ, कानों से और मुख से। अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है कि कैसे कि हम सफल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसको भी चेकिंग करेंगे ना, जैसे रजनी बहन कर रहे हैं कि कितना मैं मेरे श्वास संकल्पों को सफल कर रही हूँ। अच्छा तो अभी हम सभी ने ये सोमान सुने, टाइटल्स भी सुने, अभी कौन एक साथ सुनाएंगे सारे, किनको याद है? जी मधु बहन। जी दीदी, मैं सर्व खजानों की मालिक आत्मा हूँ, मैं आत्मा सदा सहज योगी हूँ, मैं आत्मा सदा संकल्प समय पोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाली हूँ, मैं आत्मा सदा बचत का खाता बढ़ाने वाली हूँ, मैं आत्मा मन की मालिक हूँ, मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों को ऑर्डर से चलाने वाली आत्मा हूँ, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। ओम शांति बाबा। बहुत अच्छा, और मैं आत्मा बाबा के दिल के पास हूँ, मैं दिल से दूर नहीं हूँ, मैं बाबा के दिल के बहुत करीब हूँ। जी थैंक यू। अच्छा ओम शांति। तो अभी आपको बताते हैं कि कल बाबा का अवतरण है, बाप दादा का, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, हम ग्रुप में मिलने वाले हैं कल भी, लेकिन उसके पहले आप अमृत वेले से तैयारी करेंगे बाबा मिलन की, और सभी बहुत पावरफुल अमृत वेला करेंगे, अमृत वेले ही बाप दादा से मिलन मनाएंगे। और आज जैसे बाबा ने हमें कहा है, आज का होमवर्क हम यही लेते हैं कि दिन भर कल 21 बार करना ही है, टारगेट रखना है, हर घंटे दो बार भी अगर आप करेंगे अमृत वेले से, तो 6 बजे तक बाबा का अवतरण रहता है ना, तो हमारे पास सुबह 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का समय है, और अभी भी रात का भी समय हमारे पास है, तो हम बराबर 21 बारी ये जो बाबा ने ड्रिल बताई है, ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाओ। तो जैसे आप खुद के मन को ऑर्डर देना कि हे मन अभी तू परमधाम निवासी बन जा, और अनुभव करेंगे कि आत्मा ने मालिक बनकर जैसे ऑर्डर किया मन को कि अब बस आत्मा भी परमधाम निवासी बन जा, तो बन जाएंगे परमधाम में। जैसे आप परमधाम निवासी बनेंगे तो आपको वहां जाके करना क्या है, 21 बार आप ड्रिल करोगे ना, तो 21 बार आप परमधाम घर के निवासी बनकर आप परमधाम को, शिव बाबा को और अपने आप को देखने का अभ्यास करेंगे। परमधाम घर जाएंगे, शिव बाबा को देखेंगे, घर को देखेंगे और अपने आप को देखेंगे। तो ऐसे आप 21 बार करेंगे। तो और एक आपको युक्ति बताते हैं कि आपको 21 बारी कैसे कंप्लीट करना है। हम आत्मा के 7 गुण हैं, तो आप मन को ऑर्डर करेंगे कि आत्मा बस अब परमधाम निवासी बन जाओ, और 1 सेकंड में आप अनुभव करेंगे आप परमधाम निवासी बन गए। अभी पहले बार जाएंगे, आपको जो आत्मा का गुण अच्छा लगता है उसका अनुभव करके आएंगे, फिर पहले गए शांति का अनुभव किया, फिर दूसरे घंटे में गए फिर आनंद का अनुभव किया, फिर पवित्रता का अनुभव किया, इस प्रकार से 7 7 7 3 बार आपके ये 7 गुणों का अभ्यास हो जाएगा। हर घंटे में 2 बार भी अगर आप करते हैं, तो सपोज पहला घंटा है आपने 2 बार शांति का ही अनुभव कर लिया, फिर 2 बार सुख का ही अनुभव कर लिया, इस प्रकार से भले 1 1 सेकंड कीजिए, बाबा ने हर ड्रिल में ये नोट कराए, 1 सेकंड में पहुंच जाओ, 1 सेकंड में पहुंच जाओ। क्यों बाबा ऐसे कहते हैं? क्योंकि
ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो एक सेकंड नहीं निकाल सकती है, जरूर निकाल सकती है। इसलिए बाबा ऐसे हमें बार बार एक सेकंड की प्रैक्टिस कराता है। ठीक है, तो शायद आपको होमवर्क क्लियर हुआ होगा। 21 बार हमें परम धाम निवासी बनना है, मन को ऑर्डर के प्रमाण चलाना है। जैसे मन, बुद्धि, संस्कार तीनों ऑर्डर प्रमाण चलेंगे। मन संकल्प करेगा कि मैं परम धाम निवासी आत्मा हूं, बुद्धि दृश्य को देखेंगी कि कितना सुंदर परम धाम है, मेरा बाबा है और मैं आत्मा हूँ, निराकारी आत्मा। और आपके संस्कार, संस्कारों को ऑर्डर प्रमाण कैसे चलाएंगे, तो जब आप शांति का अनुभव करेंगे तो अनुभव करना मेरे संपूर्ण संस्कार शांतिमय हो गए हैं, फिर प्रेममय हो गए हैं, फिर सुखमय हो गए हैं। इस प्रकार से अपने संस्कारों को भी आप भरते जाएंगे। ठीक है, अभी 1 मिनट साइलेंस करते हैं, एकाग्र हो जाएं। अनुभव कीजिए दो भ्रुकुटी के मध्य में मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा, अपनी अनंत शक्तियों की किरणों से भरी हुई आत्मा हूं। मस्तक के बीच में उस प्रकाश को अनुभव कीजिए। उस प्रकाश में भरी हुई अनंत शक्ति को अनुभव कीजिए। उस प्रकाश में भरे हुए उन सातों गुणों को अनुभव कीजिए। मैं आत्मा वो सातों गुणों का दिव्य प्रकाश हूं। दो भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा अपने प्रकाश स्वरूप में संपूर्ण शांति का अनुभव कर रही हूं। अब 1 सेकंड में मन को ऑर्डर करें, अब चले परम धाम और अनुभव कीजिए मैं आत्मा परम धाम निवासी आत्मा हूं। देखिए उस सुंदर परम धाम को, वहां की चमकीली रोशनी को। हमारा ये परम धाम घर स्वयं प्रकाशित है, एक सुनहरा गोल्डन रेड कलर का प्रकाश मैं आत्मा देख पा रही हूं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गोल्डन रेड कलर का प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश में मैं आत्मा अपने पिता को देख रही हूं। मेरे पिता शिव बाबा भी अपने अनंत किरणों को फैलाते हुए अपने दिव्य स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। एक सफेद बिंदी चमकती हुई दिखाई दे रही है, यही तो मेरे शिव बाबा है। अब देखिए उस सफेद बिंदी से
गोल्डन पीले कलर की किरणें निकल रही है और संपूर्ण परम धाम घर को सुनहरा बना रही है, प्रकाशित कर रही है। शिव बाबा से निकलती हुई गोल्डन पीले कलर की किरणें धीरे धीरे सूक्ष्म वतन से लेकर साकार वतन तक पहुंच रही है और तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही है। अब देखिए अपने आप को बाबा के बहुत समीप बैठे हुए, आप आत्मा बाबा के दिल के पास बैठे हो, दिल के समीप बैठे हो। आप सदा सहज योगी आत्मा हो, बहुत सहज अनुभव कर रहे हैं परम धाम घर में मैं शिव बाबा के पास हूँ, बाबा के दिल के पास मैं बैठी हूँ। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा के संकल्प बोल कर्म बहुत श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठता के संस्कार स्वयं में अनुभव कीजिए। मैं आत्मा श्रेष्ठ हूँ। डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित मैं परमात्मा की संतान, सर्व खजानों के मालिक, मैं भगवान का बच्चा हूँ। इसी सुखद अनुभूति के साथ बाबा को गुड नाइट करें। गुड नाइट बाबा। ओम शांति शांति। ओम शांति। कल के बारे में बताया कि बेंगे कल हमारा आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी, कल बाबा मिलन है, शायद आप सबको पता ही होए। कल हमारा बाबा मिलन है, तो कल हम सुबह से लेकर, वैसे तो सभी को पता ही है, सभी बहुत पुराने हैं ही, लेकिन फिर भी हम बाबा मिलन को पहला टर्न है, तो इस टर्न में हम शाम को सभी अनुभव भी बताएंगे। तो हमारा कल का शेड्यूल यही होगा कि 8:30 के बजाय 8:45 से लेकर 9:15 तक, मतलब आधा घंटा हम थोड़ा सा, ये नवरात्र में चल रहा है ना, तो देवियों के ऊपर कॉमेंट्री सहित हम योग करेंगे। जिनको भी पॉसिबल है, अगर कुछ आपका कारोबार होता है तो आधा घंटे में से हम ज्वाइन हो सकते हैं, अगर नहीं हो सकते तो डायरेक्ट 9:15 को हमारा डायरेक्ट मुरली का मंथन चालू होगा, क्योंकि हमने मुरली तो सुनी है, 7 से 6:30 बाबा की मुरली स्टार्ट होती है, तो 8 बजे तक मैंने केवल हम मुरली के मेन पॉइंट निकालेंगे और उसके ऊपर आपका चिंतन हम बोलेंगे, तो वो हम 15-20 मिनट करेंगे। तो एक कल का शेड्यूल, मतलब हर शेड्यूल में हम ऐसे ही करेंगे, आधा घंटा योग करेंगे और फिर से आधा घंटा चिंतन करेंगे। और विशेष चिंतन में आपको ये सुनाना है कि आपने क्या अनुभव किया बाबा के साथ, ताकि आपके अनुभव से औरों को भी थोड़ा सा उमंग उत्साह आ सकते हैं और प्रेरणा भी मिलेगी, ठीक है ना। बाकी तो अब सभी को पता ही है कि कल अमृत वेले से लेकर हमारे भिन्न भिन्न बाबा के साथ संबंध जोड़कर कैसे बाबा के साथ रहना भी है, क्योंकि कल का दिन विशेष दिन होता है। कुछ भी हो जाए तो जितना हो सके
योग में रहने का ही प्रैक्टिस करो ताकि बाबा के साथ का अनुभव और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलो आप सभी को हैप्पी बाबा मिलन, और अभी से ही कल की तैयारी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू भाई जी, ओम शांति। हम सभी मिलकर बहुत श्रेष्ठ अवस्था बनाएंगे। ओम शांति, गुड नाइट।